पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए वेदों और शास्त्रों में दी गई विशेष जानकारी के द्वारा सरलतम विधि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके लिए दिव्यतम नील सरस्वती बीज मंत्र लेकर के आए हैं। विद्यार्थियों की सफलता के लिए, विद्या बुद्धि ज्ञान की वृद्धि के लिए यह बीज मंत्र छोटा है, इसलिए करने में आसान है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज अपने आप में बहुत बड़ा वृक्ष समाहित रखता है, समेटे हुए होता है, उसी प्रकार यह छोटा से बीज मंत्र तारा के रूप में स्वरूप को समेटे हुए है। इस मंत्र का जाप अमावस्या से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक या नवरात्रि से करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 बार कम से कम अधिकतम 3 घंटे तक नित्य जप कर सकते हैं। एक कांसे की थाली में केसर घिस करके इस मंत्र को उसी में लिखा जाएगा और बीज मंत्र को लिख करके चारों ओर चावल या आटे के 4 दीपक जला करके रखें। चारों दियों की लौ मंत्र की तरफ होनी चाहिए। कुमकुम या केसर से चारों दीपकों तथा बीज मंत्र को घेरते हुए गोला थाली के अंदर बना लें और यह लिखा हुआ मंत्र साधना के आखिरी दिन तक बनाए रखें। रोज पूजन में काम आएगा। दीपक रोज नया बनाकर लगाना चाहिए। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती का ध्यान करें। नीलवर्णाम त्रिनयनाम ब्रह्म शक्ति समन्विताम कवित्व बुद्धि प्रदानीम नील सरस्वती प्रणमाम्यहम। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, माँ आपको बुद्धि प्रदान करें। अयं बीज को देखते हुए अयं मंत्र एक अक्षर का है। अयं ए में अय की मात्रा लगाकर बिंदी रखना है। अयं बीज को देखते हुए जप करें। पूरा ध्यान हो जाने पर त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। कम से कम बातचीत करें। किसी पर क्रोध न करें। किसी स्त्री का अपमान न करें। वस्त्र सफेद रंग के धारण करें। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की यह तांत्रिक साधना है। पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ करने से यह भगवती निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती है। सामने वाला क्या कहने आया है आप पहले जान जाएंगे। यह दिव्यतम प्रयोग है। इसकी साधना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आपको पता होगा कि जब देवता वरदान देने के लिए समक्ष आते हैं तो पहले जान जाते हैं। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि कुंभकर्ण ये मांगने वाला है कि पितामह हमको इंद्रासन चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती का स्मरण किया और भगवती सरस्वती आकर उसके जिह्वा में बैठ गई और उसने कहा कि पितामह हमको निद्रासन प्रदान करें। ये अद्भुत भगवती सरस्वती की कृपा है कि हम सामने वाले से क्या कहलाना चाहते हैं वो माता कहला देती है। आज इस रहस्य को आप इतने में ही समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए दिव्यतम प्रयोग लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।